नमस्कार दोस्तों, टीजी टिप्स चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए खास जानकारी लेकर आया हूं। दोस्तों, एनसीएल ने एक नोटिस निकाला है जिसमें उन्होंने अपने पारा मेडिकल पोस्ट का जो वैकेंसी निकाला था उसका ऑफिशियल सिलेबस उन्होंने जारी कर दिया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम जो 29 मार्च को होने वाला है उसमें आप लोगों को क्या क्या एग्जाम में ले जाना है, किस तरह से एग्जाम पैटर्न होगा, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, किस सेक्शन से कितना मार्क्स आएगा, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी ये जानकारी मिल सके और किसी की मदद हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप जैसे कि यहाँ सूचना पे पढ़ सकते हैं कि सूचना में लिखा हुआ है रिगार्डिंग पब्लिकेशन ऑफ सिलेबस और पैरामेडिकल संवर्ग के जो विभिन्न 10 प्रकार के विभिन्न पद निकले हैं, जिसका कि 25 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन निकला था और इसका एग्जाम जो होने वाला है वो 29 मार्च को होने वाला है। तो इसमें जो सिलेबस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से एग्जाम होगा। तो देखिए, पहला नंबर है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट हेल्ड ऑन 29 मार्च 2020। मतलब कि 20 मार्च को जो एग्जाम होने वाला है उसमें जो है पहला नंबर 70 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके मतलब कि आपके सब्जेक्ट के वाइज रहेंगे और 30 क्वेश्चन जो होंगे वो आपका कॉमन पेपर होगा, एमसीक्यू टाइप का ही सभी क्वेश्चन होंगे। कहने का मतलब है दोस्तों, जो 70 होंगे मार्क्स वो आपके जो आप पोस्ट के लिए जो आप वैकेंसी भर रहे हैं उस पोस्ट से क्वेश्चन रहेगा और 30 मार्क्स जो रहेगा वो सभी के लिए कॉमन रहेगा। अब ये जो 30 मार्क्स है इसके लिए मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि इसमें क्या पूछा जाएगा। 30 मार्क्स में आप पहला नंबर पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज में जो पूछा जाएगा वो भारत के बारे में और इंटरनेशनल रिलेशन भारत का और जनरल साइंस रहेगा। दूसरा नंबर है दोस्तों जनरल अवेयरनेस, और जनरल अवेयरनेस कहने का मतलब है कि आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, जैसे स्पोर्ट्स, डिफेंस, बुक्स, प्राइज और अबाउट इंडियन डेमोक्रेसी, संविधान से भी संबंधित प्रश्न रहेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, थर्ड नंबर में रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, साथ में हिंदी और इंग्लिश में सिनोनिम और एंटोनिम भी रहेंगे और ग्रामर भी रह सकते हैं और रिलेशनशिप के बारे में भी कुछ क्वेश्चन रहेगा, रिलेशनशिप जैसे ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं रीजनिंग में। नेक्स्ट दोस्तों, चौथा नंबर में मैथ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें जो आपके रहेंगे वर्क, रिलेशनशिप, प्रॉफिट एंड लॉस और स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, तो ये था सेक्शन बी। अब मैं सेक्शन ए के बारे में बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ जैसे इंडिकेटिव सिलेबस ऑफ सेक्शन ए टेक्निकल ऑफ रिटेन टेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डिफरेंट पारा मेडिकल स्टाफ पोस्ट। अब इसमें देखिए दोस्तों, कौन कौन सा पोस्ट इंक्लूड है, तो आप पहले ही देख सकते हैं कि टेक्नीशियन डेंटल ट्रेनी TNS ग्रेड डी का पोस्ट, टेक्नीशियन जो डाइटिशियन पोस्ट है उसके लिए है सिलेबस। नेक्स्ट है टेक्नीशियन पैथोलॉजिकल ट्रेनिंग के लिए सिलेबस दिया गया है, टेक्नीशियन रेडियोग्राफर का भी सिलेबस ऑफिशियल दिया गया है और फिजियोथेरेपिस्ट का भी सिलेबस है, नर्सिस ट्रेनिंग का भी सिलेबस है और जूनियर टेक्नीशियन ECG ट्रेनिंग के लिए भी सिलेबस दिया गया है और जूनियर टेक्नीशियन EEG ट्रेनिंग का भी सिलेबस है। नेक्स्ट दोस्तों, ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन ट्रेनिंग का भी सिलेबस है, बाद में स्टाफ नर्स का भी सिलेबस है। अब दोस्तों, पेपर ए जो है जिसमें आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा वो आपके सिलेबस के वाइज ही रहेगा। तो इसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दे रखा हूँ, वहाँ से आप जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, आपको पार्ट बी का जो 30 क्वेश्चन है उसका तैयारी के लिए आपको बहुत सारे वीडियोज हमारे चैनल पर भी मिल जाएंगे, तो आप हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें। पार्ट ए का जो तैयारी है वो आप अपने सिलेबस के अनुसार यहाँ पे देख कर आप कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, आपका मेरा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों, आप इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक या फिर ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इसे अपलोड कर चुका हूँ। तो अब एग्जाम से रिलेटेड मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि एग्जाम में बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि एग्जाम में हमें क्या लेकर जाना है। तो दोस्तों, एग्जाम में सबसे पहले आपको तो 29 मार्च को जैसे एग्जाम है तो आपका अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है, साथ ही जो कैंडिडेट्स SC और ST है उन्हें अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है, क्योंकि NCL जो है आने जाने का खर्चा भी देगी। TADA का आपको फॉर्म जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप TADA का फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं ये सभी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, साथ में आप लोगों को अगर कोई भी चीज़ में तकलीफ हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का कोशिश करूंगा। दोस्तों, एग्जाम में जो है आपको एक ID प्रूफ और साथ में दोस्तों आप कोशिश कीजिएगा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपने अपलोड किया था वो आप लेकर जाइए, साथ में आप अपना पेन ले लीजिएगा और आप अपना जो है ओरिजिनल आईडी कार्ड और उसका जेरोक्स कॉपी और कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि TADA के फॉर्म में कास्ट सर्टिफिकेट का भी जेरोक्स मांगा गया है, तो वो भी आप ले लीजिएगा, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ लाइक कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी ये जानकारियाँ मिल सके। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। We live.